केरल दौरे पर आए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष नाना केपी सिंह ने पीएसीएल के निजीकरण को लेकर चल रही अटकलों को विराम देते हुए साफ शब्दों में कहा कि हाँ, पंजाब सरकार पीएसीएल में अपने हिस्से के शेयर बेचने जा रही है, लेकिन इससे किसी भी कर्मचारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निजीकरण होने के बाद किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं हटाया जाएगा। जी है, नंगल में स्थित पंजाब सरकार की औद्योगिक इकाई पीएसीएल और ट्रक यूनियन में रोष प्रदर्शन कर रहे जे हैं ट्रक ऑपरेटर और पीएसीएल के मुख्य द्वार पर गांधीगिरी का परिचय देते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो सभी पीएसीएल के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज अपने नंगल दौरे पर आए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने नया नंगल में स्थित पंजाब सरकार की औद्योगिक इकाई पीएसीएल के निजीकरण को लेकर चल रही अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि हाँ, पंजाब सरकार पीएसीएल में अपने हिस्से के शेयर बेचने जा रही है, लेकिन इससे कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाएगा। राणा केपी सिंह ने कहा कि बंद होने से अच्छा है कि उक्त इकाई निजी हाथों में चली जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार के कार्यकाल के दौरान उक्त इकाई को बेचने के पेपर जारी हुए थे, लेकिन तब इकाई की दशा बहुत खराब होने के चलते इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ था। अब हमारी सरकार ने इकाई की दशा सुधारी है तो खरीदने में औद्योगिक घरानों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि जो भी औद्योगिक घराना इकाई के शेयर खरीदेगा, वह इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए खरीदेगा, ना कि इसे बंद करने के लिए। उन्होंने कहा कि इकाई का उत्पादन बढ़ने से ट्रक ऑपरेटरों को भी इसका लाभ होगा और शहर के व्यापार को भी। सुने सिटी एजल से बात करते हुए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने क्या कहा। पीएसीएल का जो कारखाना है, जब भी साड़ी सरकार आई असी नु ठीक किया, जब भी साड़ी सरकार गई पीएसीएल की हालत खराब हुई है, और पीएसीएल का निजीकरण का जो सिलसिला है ये पिछली सरकार के जमाने पिछले 10 साल तो चलता है। पिछली सरकार ने पीएसीएल का निजीकरण करने वास्ते 2 बार इश्तहार अखबारों में दिता है, 2 बार पीएसीएल नू बेचने की कोशिश की है, उही फाइल चलती सी, लेकिन पिछली सरकारी का निजीकरण इस करके नहीं कर सकी क्योंकि पीएसीएल का इन्ना माड़ा हाल था कि इहदा कोई गाहक नहीं था। साड़ी जिम्मेवारी है, असी कि जिम्मेवार सरकार हैं, असी पीएसीएल का हाल पीएनएफसी वाला नहीं करना चाहते। जो हज़ारा मुलाजम जड़े है पीएनएफसी दे पिछली सरकार ने बंद किए थे, भुखमरी का शिकार हो के मर मर के रो रो के नंगल शहर विचों गए है, वो दिन असी नंगल वास्ते नहीं आण देवांगे। असी साड़ी सरकार ने फैसला किया, असी दा निजीकरण करांगे और इहनू पहलां नालों भी जिहड़े खरीददार है उन्हां ते सरकार दबाव बना के रखेगी कि बेहतर चले, इंप्लॉयमेंट ना इत्थे तक कोई जावे। और मैं जिम्मेवारी नाल कहना कि पीएसीएल दे निजीकरण दे नाल एक भी नौकरी किसी चपड़ासी या चौकीदार की नौकरी भी जिहड़ी है वह जाएगी नहीं, बल्कि इत्थे होर भर्ती करावांगे। नहीं, जे पी ए सी एल का कारोबार बढ़ेगा, पी ए सी एल यूनिट बढ़ोतरी होएगी तो कम घटेगा नहीं, बल्कि ट्रक यूनियन का कम बढ़ेगा। जे पी अकाली दल का जितों तक सवाल है, उन्होंने तो यू बेचण का यदा निजीकरण करने का जो फैसला है वह आप लिया, फाइल आप मूव करी है। इन्हों की सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री सी, मदन मोहन मित्तल जी जो वजीर सी, ये उदों फैसला होया। रही है बाकी छुट मुट माड़े मोटे आ जड़े है, इन्होंने लीडरी लूडरी चमकानी होंगी है, कोई कितने सड़क पर फटा लैके बह जाता, कोई थोड़े को आ जाता, तुम भी माड़ी मोटी मदद कर देने कई बार करी करी जाओ, कोई गल नहीं। नंगल से सीढ़ी हलचल के लिए करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।